मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की नैब में पेशी। नैब तफ्तीशी अफसरान की 3 घंटे तक हमजा शहबाज से पूछताछ। गिरफ्तार मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी के रूबरू बिठाए जाने के इत्तला। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, मुश्ताक चीनी से आपका क्या ताल्लुक है, मुश्ताक ने आपके अकाउंट्स में पैसे क्यों ट्रांसफर किए। नैब टीम के हमजा शहबाज से सवालात। निजी कारकुनों की नैब दफ्तर के बाहर नारेबाजी। हमजा शहबाज के साथ आए दीगर अफराद को अंदर जाने की इजाजत ना मिली। नैब ने हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। हवाला हुंडी के जरिए पैसे बैरून मुल्क नहीं भेजे गए। फंड्स ट्रांसफर को मनी लॉन्ड्रिंग किसने कह दिया। 85 अरब का इल्जाम हाईकोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 अरब का रह गया। मुशरफ दौर में मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजेक्शन का इल्जाम लगाया गया। मुशरफ दौर में कौन सी किकबैक्स दी गई। हमजा शहबाज की पेशी के बाद लीग रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी भी नैब हिरासत में बीमार पड़ गए। दिल शुगर गुर्दों समेत कई बीमारियों में मुब्तला हूँ। अदालत डॉक्टर से रोजाना की बुनियाद पर चेकअप का हुक्म दे। मुश्ताक चीनी की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने नैब को कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म दे दिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का केस एहतसाब अदालत में समाअत। पर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद हसन फवाद ने 1 अरब 9 करोड़ से जायद के गैर कानूनी असासे बनाए। नए प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने केस पर समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम का शरीफ मेडिकल सिटी में 5वीं भारतीय बीमाना। 1 घंटा और 4 मिनट तक शरीफ मेडिकल सिटी में रहे। ब्लड प्रेशर शुगर और मामूल का चेकअप। न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसिस के प्रोफेसर ने मुआयना किया। नवाज शरीफ के दिमाग की शरियानों में खून की गर्दिश का जायजा। डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को किसी भी किस्म की परेशानी न लेने का मशवरा। मुकम्मल आराम की हिदायत। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफवर्जी करते हुए सजा सुनाई। एक मुलजिम बरी हुआ तो दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। एफिड्रेन कोटा के हनीफ अब्बासी की जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। हनीफ अब्बासी को 50-50 लाख के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोकर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हनीफ अब्बासी की जमानत के बाद जेल से रिहाई का मामला तहरीरी हुक्म के बाद रूबका तैयार हो गई। बजरिया अडियाला जेल लाहौर की कैंप जेल को मौसूल होगी। हनीफ अब्बासी शेख जैद अस्पताल के CCU में सेर इलाज। दिल गुर्दे और मसाना के अमराज में मुब्तला। PIC में 1 स्टंट भी डाला गया। शेख रशीद को जितवाने के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ज्यादती का लफ्ज छोटा है, बहुत दुख दिया गया। जमानत मिलने पर जहनी सकून महसूस कर रहा हूं, तबीयत में बेहतरी आ रही है। हनीफ अब्बासी की शेख जैद अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ से गैर रस्मी गुफ्तगु। अस्पताल अमले की जानिब से गुलदस्ता भी पेश। पीपल्स पार्टी नून लीग पर केसेस उनके अपने अदवार में बने। अपोजिशन को जमानतों के फैसलों की दुनिया भर में तारीख नहीं मिलती। इमरान खान जैसा शख्स नाजायज केस नहीं चला सकता। इंशाल्लाह वजीर आजम तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। हुकूमत ने सियाहत के फरोग का बेड़ा उठा लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली का इजलास 25 अप्रैल को बुलाए जाने का इम्कान। बल्दियाती बिल अरकान असम्बली की तनख्वाहों में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। हुकूमत ने इजलास में सरकारी बिजनेस पेश करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। 7 माह बाद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 खैरफॉल। कमेटी सरबराह के लिए तयशुदा फार्मूले पर अमल दरामद ना किया जा सका। 24 कायमा कमेटियां ताहाल चेयरमैन से महरूम। ऑरेंज ट्रेन को पटरी पर आने से पहले ही ब्रेक लग गई। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट के फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल कर दिए। 53 करोड़ से जायद रकम शौकत खानम फ्लाई ओवर, खयाबान जिना और एरिना सेंटर पर खर्च कर डाले।